से आपका स्वागत है हमारे रेडियो के अंदर। आज का सफर रहेगा दिल्ली तक, तो देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। एक साथ आप बसों में चलिए और सफर के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा मैं। फिलहाल मैं मेरा होम विलेज खातियास में से रवाना हुआ हूँ, जो के अंतर्गत आता है। वैसे तो लगभग यहाँ से आपको बता चुका हूँ यहाँ के बारे में, जो के लगभग काफ़ी गाँव मैंने एक्सप्लोर कर दिए है। यहाँ से हाईवे है 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वो जयपुर और जोधपुर को जोड़ता है। मैं अभी जोधपुर से तकरीबन 38 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। अभी मैं जोधपुर की तरफ नहीं जाऊँगा, जोधपुर शहर की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं सीधा निकलूँगा बाईपास होते हुए यहाँ से काकाड़। तो ये बाईपास अलावाद बाईपास जाता है डांगियावास से थाने से पहले से मुड़ता है, डांगियावास गांव से मिलता है। ये हाईवे तो सीधा डांगियावास गांव के अंदर से जाता है, और ये जो मैं अभी जो हाईवे पकड़ूंगा जो स्टेट हाईवे है स्टेट रोड बाईपास, उसके डांगियावास से जस्ट आगे से तो जो बाईपास जो निकलता है वो रिंग रोड है। तकरीबन से शहर के चारों ओर घूम के बार बार जहाँ भी उसको जाना है, जैसलमेर की तरफ जाना है तो वो जैसलमेर की तरफ चले जाते हैं, और बाड़मेर की तरफ जाना है तो भी चले जाते हैं, और वापस घूम के मलोडी की तरफ जाना है तो नीचे मलोडी की तरफ उस तरफ से चौका और शहरों की तरफ से घूम सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। जानकारी देता रहूँगा, अगर आपको सामने से दिखाऊँ कि सामने से धूप की रोशनी पड़ रही है तो आपको ढंग से दिखा नहीं पाऊँगा, कैमरे की रोशनी हो पाएगा। ये इधर से जो आ रही है सड़क, इधर को चलते हैं तो जोधपुर जाते हैं, इधर को सामने की तरफ जाते हैं तो सीधा जाते हैं जयपुर, जिलारा ब्यावर अजमेर और जयपुर। ये आपको रूट के बारे में मैं जानकारी दे दिया। ये अभी नेशनल हाईवे 25 है। अनिल चौहान कराओके, कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल, संगीत सीखने वालों के लिए अनमोल तोहफा। इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया हूँ। जगह जगह पुलिस वाले कैमरे लगा के खड़े हो जाते हैं। अभी फिलहाल तो आरटीओ और स्पीड वाले नहीं यहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर इसे हाईवे पर एनी टाइम खड़े ही रहते हैं। यदि आवाज़ के अंदर आपके पास में ढंग से आवाज़ नहीं पहुँचेगी, वापस मैं एडिटिंग में आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो साथ में आवाज़ रिकॉर्ड होती है उसको थोड़ा सुनने में मज़ा आता है। हालांकि आवाज़ क्लियर नहीं होती है, पर जो रियल जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है रियल टाइम जो लाइव होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है, और बाद में जब आवाज़ रिकॉर्ड करके डालते हैं तो उसकी थोड़ी अलग पोजीशन हो जाती है। आपको मैं रियल पोजीशन दिखा देता हूँ। ये सीधा जो
पुल के ऊपर से जाता है सीधा जोधपुर शहर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है बाईपास से अपना सलावा। चलो रिकॉर्डिंग था नहीं, अभी हम चल रहे हैं डांगियावास के पास क्योंकि अभी सीधा स्टेट हाईवे 68 पाली जोधपुर को, ये जोधपुर जयपुर हाईवे को जोड़ता है। अभी दोनों हाईवे के जो बीच में जो दूरी है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की है। उधर जो नेशनल हाईवे जब हम पकड़े तो वहाँ पाकिस्तानी आएगी और इधर से जब हमने यहाँ से पीछे से सफर की शुरुआत की थी वो डांगियावास है। तो जब भी आप इस रूट की तरफ आओ और आपको यदि पाली से आ रहे हो जोधपुर की तरफ तो आपको जोधपुर जाके आपको 25 किलोमीटर ज़्यादा चलने की बजाय आप 25 किलोमीटर कम चल सकते हो क्योंकि आप जोधपुर होके रिंग रोड होके आओगे तो फिर आपको 25 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा और ये सीधा जो बीच में से आप निकल जाओगे तो 25 किलोमीटर का फायदा पड़ेगा आपको क्योंकि वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे आसानी से 15 किलोमीटर पड़ जाता है जोधपुर और लगभग 30 किलोमीटर ये जोधपुर से डांगियावास पड़ जाता है। 15 और 30 45 50 किलोमीटर ये टोटल पड़ता है। इसकी बजाय यहाँ से सीधा संपर्क सड़क में तो 25 किलोमीटर पड़ता है यानी आपको 25 किलोमीटर का फायदा होगा। कोई भी हो आपके भारी वाहन वाले के लिए तो बहुत अति उत्तम है क्योंकि आरटीओ पार्टियों का इस रोड पर डर नहीं रहता है। आपको एग्जैक्ट मैंने पोजिशन बता दी है। आपको मैं डिटेल में बताने का कारण यही है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखो और अपने रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहो तो वीडियो आपको फिर से मेरे चैनल पर जाओगे और आपको ये वीडियो हाईवे का मिल जाओगे। तो मैं जिस तरफ से आपसे गुजरते हो तो मैं उस शहर का नाम लिख देता हूँ कि मेरी ड्राइविंग को फलाना ढिमका शहर या फलाना ढिमका विलेज हो। Thank you.
अभी मैं खड़ा हूँ काकानी, ये नेशनल हाईवे 68, तो इस तरफ चलते हैं 25 किलोमीटर तो जोधपुर आ जाता है और इस तरफ चलते हैं 50 किलोमीटर तो पाली आ जाता है। इस तरफ का आपको दिखा देता है, ये सीधा रास्ता है, ये जो रास्ता जाता है ये जोधपुर की तरफ, इस रास्ते से चलते हैं तो जोधपुर आ जाता है। और मैं फिलहाल आया हूँ इस रास्ते से आप पीछे से, ठीक है, तो ये डांगी आवास केजरली बोट और घूड़ा होते हुए इधर आया आपको। तो आप मेरे साथ सफर में बने रहिए, एंजॉय कीजिए। दिखा देता हूँ, अभी जो पिछले वीडियो में देखे थे यहाँ इस रोड, ये जो दिख रहा है इस रोड से, अब ये जो रोड गया है सिवाना की तरफ, तो इस रोड से अपन पिछले एपिसोड में चले थे, आज ये रोड जो अपन एक्सप्लोर करेंगे। देख चुके हो ये काकानी, ये काकानी वीडियो में